हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट को शेयर करने वाला हूं, जिनको आप सितंबर में नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट कुछ ऐसे होंगे जो साल भर आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियोस की अगर नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला प्लांट है, मेरा पेंटास का प्लांट है। पेंटास को आप सितंबर में नर्सरी से ला सकते हैं और इसमें आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, कितनी ज्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे इसके फ्लावर होते हैं, बट बंचेज में जब फ्लावर आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मेरा पूरा प्लांट है। मैं पिछले साल नर्सरी से इसको लेकर के आया था और अब इसमें ग्रोथ देखिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और फ्लावरिंग तो आप देख ही सकते हैं, कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसमें काफ़ी तरह के कलर आते हैं। ये मेरे पास रेड है, एक मेरे पास इसका ये रहा पिंक। पिंक में भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी इसमें बर्ड्स भी हैं। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। लेकिन जो हमारा प्लांट है, ये हमारा अल्मांडा का प्लांट है। अल्मांडा को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, मेरा जो एक प्लांट है, मेरे पास इसके तीन प्लांट हैं और तीनों के ऊपर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है कि पूछिए मत। और बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे कलर भी आते हैं। ये देखिए, एक मेरे पास शेड ये रहा, एक मैं आपको शेड दिखाता हूँ, ये रहा एक शेड, ये रहा एक मेरे पास ये येलो शेड है। ये देखिए, ये जो कॉमन को शेड मिल जाता है और ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए, पूरा प्लांट जो है फूलों से भरा हुआ है। थर्ड है आपका ये विंका का प्लांट। विंका आपका ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो साल भर आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने देता। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको उसको बरसात में बचाना है। अगर आपने इसको बरसात में बचा लिया तो ये सालों साल आपके गार्डन में फूल देता रहेगा। होता है आपका ये रोज़ का प्लांट। रोज़ में आप देसी और इंग्लिश दोनों वेराइटीज़ को ले सकते हैं, ये भी आपके गार्डन में सालों साल फूल देते रहते हैं। फिफ्थ है आपका ये बोगनविलिया का प्लांट। इसको भी आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। ये देखिए, मैंने ये प्लांट कटिंग से खुद ग्रो किया था मॉनसून में, अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। और ये जिसमें आजकल नर्सरी पर आपको काफ़ी तरह के शेड्स मिल जाते हैं, ये ऑरेंज है और भी इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर शेड्स आजकल नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये एक्जोरा का प्लांट है। एक्जोरा भी आपका एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप नर्सरी से ला सकते हैं और इसमें जो फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। देखिए, इसमें बंचेस में बर्ड्स आती हैं, इसमें आपको शेड्स भी काफ़ी मिल जाते हैं। मेरे पास ये पिंक है, इसमें येलो, रेड, वाइट, काफ़ी तरह के शेड्स इसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट हमारा जो आता है, वो हमारा हिबिस्किस का आता है। हिबिस्किस को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। बट इसमें बस एक मिलीबग्स की जो है वो प्रॉब्लम रहती है। अगर आप उस पर कंट्रोल कर लिया तो हिबिस्किस को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें नर्सरीज पर आजकल बहुत तरह के वेराइटीज़ है, जैसे आपका देसी हो गया, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, काफ़ी तरह के हिबिस्किस है। मेरे पास भी काफ़ी हिबिस्किस है, आप ये देखिए पूरा जो कॉर्नर है वो सभी हिबिस्किस ही है। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तो इस लिस्ट में जो नेक्स्ट हमारा प्लांट आता है, हमारा टिकोमा का प्लांट आता है। टिकोमा में आप मिनिएचर जो इसकी हाइब्रिड वैरायटी है उसको ले सकते हैं, या फिर जो इसका देसी टिकोमा होता है उसको भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसके फ्लावर आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको नर्सरीज पर मिल जाएंगे। ये मेरा ऑरेंज कलर का टिकोमा है, बहुत अच्छे इसमें फ्लावर आ रहे हैं, ये देखिए, और इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स भी हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट हमारा ये चंपा का प्लांट है, जिसको हम प्लूमेरिया बोलते हैं। इसके मेरे पास दो प्लांट है, एक में इसमें फ्लावर भी आने वाले हैं, एक मेरे पास ये रहा, ये देखिए इसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। तो इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इसमें भी आपको नर्सरीज पर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जिनको आप सितंबर के मंथ में नर्सरी से लेकर आ सकते हैं।